नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूँ सूरज कांति दास एंड मैं आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एको एडुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप सबको सिखाऊंगा पापदा मछली की ब्रीडिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर आप चाहे पापदा मछली की ब्रीडिंग जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ पर जो भी वीडियो सबको मिलेंगे वो आधा अधूरा वीडियोस होंगे। उसके अंदर बहुत सारे कमियाँ भी हैं, बहुत सारे डाउट भी आपको आएगा वीडियो देखने के बाद। इसीलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का नाम ही होगा ए टू जेड पापदा मछली की ब्रीडिंग। इस पर आपको छोटा से छोटा चीज़ सब कुछ सिखाया जाएगा एंड 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके अंदर एक भी डाउट नहीं होगा, इसका गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टेप नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक टैंक चूज कर लेना है, जहाँ पर हम लोग सारी मछलियों को ब्रीडिंग करवाने के लिए रखेंगे। एंड ऐसा एक नेट भी हम लोगों को बना लेना है। ये आप देख सकते हो, इसका जो मेश साइज़ है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। नीचे का तो रॉड होगा वो थोड़ा लंबा होगा, जिससे कि ये ग्राउंड फ्लोर पे टच ना हो। अब इस नेट को लाके टैंक पर फिटिंग कर लेना है। एंड आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पाइप सिस्टम हमेशा लगा होगा, जिससे कि मछली के ऊपर नॉन स्टॉप पानी गिरता रहे। उन लोगों को बारिश वाला फील देना बहुत ज़रूरी है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे नॉन स्टॉप पानी गिरता रहना चाहिए। अगर मछलियों को बारिश जैसा फील नहीं आएगा तो ब्रीडिंग होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। टैंक प्रिपेयर होने के बाद अभी हमारा टाइम है मछलियों को पकड़ने का। आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। ये काफ़ी बड़ा पॉन्ड है एंड इस पॉन्ड पर सिर्फ पापदा मछलियाँ ही है। आप सब देख सकते हो, हम लोगों ने काफ़ी सारे मछलियाँ पकड़ लिया है। अभी सारी मछलियों को हम लोग लेके जाएंगे ब्रीडिंग टैंक पर। एंड दोस्तों, आप सबको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमेशा अच्छा वाला मेल एंड फीमेल चूज़ करना है, ताकि ब्रीडिंग के टाइम हम लोगों को सबसे बेस्ट रिजल्ट मिले। एंड दोस्तों, अभी नेक्स्ट स्टेप है कंडीशनिंग। मछलियों को आप जहाँ से भी लाओ, चाहे वो पॉन्ड हो या कोई तालाब हो, मछलियों को जिस टैंक पर हम लोग ब्रीडिंग करवाएंगे उस टैंक पर उसको कम से कम 4 से 5 घंटा रखना पड़ेगा, जिससे कि वो स्ट्रेस फील ना करे। मछली अगर स्ट्रेस फील करेगा तो आप चाहे जितना भी हार्मोन क्यों ना डाले, मछली ब्रीडिंग नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है हम लोग उन मछलियों को वहाँ पर रखें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, बेस्ट सक्सेस के लिए। तो दोस्तों, 5-6 घंटा बाद अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। जितना भी मछलियाँ हैं, सारे के सारे मछलियों को 1:1 रेशियो पे हम लोग अलग अलग बकेट में रखेंगे। 1:1 रेशियो मतलब एक मेल एक फीमेल। तो आप देख सकते हो, हम लोगों ने बकेट में सारी मछलियों को एक जगह पर रख दिया है। अभी दूसरा बकेट में हम लोग एक मेल एक फीमेल करके रखेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हार्मोन को बनाना। मेरे यहाँ पे ओवरटाइट मिलता है, तो मैं ओवरटाइट यूज़ करूँगा। आपके यहाँ पे जो भी सिंथेटिक हार्मोन मिलता है, चाहे वो स्पॉन प्रो या ओवाप्रीम, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा इंजेक्शन है वो 1 ml के इंजेक्शन मैंने लिया है। तो दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग 0.5 ml यूज़ करेंगे 1 kg मछलियों के लिए, यानी कि 1 ml हार्मोन हम लोग यूज़ करेंगे 2 kg मछलियों के लिए। मैंने ऑलरेडी वेट चेक कर लिया था, मेरे यहाँ 30 मछलियों से 2 kg हो रहा था। इसका मतलब मैं 1 ml हार्मोन यूज़ करूँगा उन 30 मछलियों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर इंजेक्शन में देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 10 धागे 0.1 ml करके 0.10 ml तक। तो 0.1 ml से मैं 3 मछलियों को इंजेक्ट करूँगा, ठीक है। एक दाग से दूसरे दाग तक मैं 3 मछलियों को इंजेक्ट करूँगा ओ हार्मोन। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, बकेट के अंदर मैक्सिमम पानी को हम लोग फेंक देंगे, ताकि इंजेक्ट करने के टाइम हम लोग मछली को इजीली पकड़ सके। आप देख सकते हो, मैक्सिमम पानी हम लोगों ने फेंक दिया है। अब दोस्तों,
आप लोगों को इस टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि मछलियों के ऊपर का जो हिस्सा है, यानी कि जो ऊपर का जो आपका फिन है, उस फिन के नीचे का जो पार्ट है मसल, वहाँ पर हम लोगों को हमेशा इंजेक्ट करना पड़ेगा जो हमारा इंजेक्शन है, 0.1 ml से थोड़ा बहुत कम। आप देख सकते हो यहाँ पर इंजेक्ट, हम लोग अभी इंजेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हो फिन का जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर हम लोग इंजेक्ट को डालेंगे। यहाँ पर आप देखना ऊपर का जो फिन है उसका नीचे के ठीक पार्ट में हम लोग 0.1 ml से थोड़ा कम करके इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम लोग उस पाइप को ऑन कर देंगे जिससे कि मछलियों को एक बारिश वाला फील आए। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक हैचिंग टैंक बनाना। यहाँ पर भी हम लोग सेम नेट यूज़ करेंगे, लेकिन इसका जो मैश साइज़ होगा वो काफ़ी छोटा होगा, जिससे कि सारे के सारे जो अनफर्टिलाइज एग्स होगा वो नेट के अंदर ही रह जाएगा, एंड जो फर्टिलाइज जो हमारा हैचिंग हो जाएगा वो नेट से बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हो, आप कोई भी टैंक यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का टैंक यूज़ किया है तो मेरे लिए ईजी होगा। तो अभी 15 घंटा हो चुके हैं हम लोगों ने मछलियों को इंजेक्शन डाले हुए। आप देख सकते हो पानी के ऊपर बहुत सारा बुलबुला उठ चुका है। बुलबुला का मतलब ये है कि पानी में एग्स मछलियों ने छोड़ दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग एग्स को एक ही जगह पर कलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको टैंक के चारों तरफ राउंड सर्कल पर आपको ऐसा घूमना है। इससे क्या होगा, टैंक के चारों तरफ जितना भी अंडा है वो आके बीच पर कलेक्ट हो जाएगा। आप अभी देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे एग बीच पर आकर कलेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब हम लोग इजीली इसको एक बकेट के अंदर ले लेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग एक पाइप यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो पाइप का एक नल टैंक के अंदर एंड उसका दूसरा नल आप रखोगे जो हमारा बकेट होगा, एंड जो हमारा कलेक्ट हुआ एग्स है वहाँ पर हम लोग पाइप को रखेंगे। एंड ईजिली जितना भी हमारा एग्स है सारे के सारा एग्स, आप अभी देख सकते हो हमारा जो बकेट है बकेट के अंदर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कितना सुंदर हो के जितना भी एग्स है सारे के सारे एग्स ईजिली हमारा बकेट पर आ जाएगा। तो अभी जितना भी ज़्यादा पानी है हम सारे के सारे पानी फेंक देंगे, एंड हम लोग अभी इसको लेके जाएंगे जितना जल्दी हो सके हैचिंग टैंक पर, क्योंकि आप लेट करोगे तो जितना लेट करोगे उतना एग्स अनफर्टिलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट है आप बिना देरी करें जल्द से जल्द आपका जो हैचिंग टैंक है वहाँ पर इसको लेके जाएं। दोस्तों अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जितने भी हमारे एग्स हैं सारे के सारे एग्स को हम लोग एक जग में ले लेंगे, जिससे कि बाद में हमें इजी हो, इजीली हम लोग जितना भी एग्स है हम लोग टैंक पर रख सके। अभी नेक्स्ट स्टेप पर जितना भी एग्स हमारे पास है सारे के सारे एग्स को हम लोग नेट पर सीधा लाइन से रख देंगे, क्योंकि सारे के सारे एग्स एडहेसिव नेस्ट होते हैं। इसका मतलब सारे के सारे एग्स एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, इसलिए जितना हो सके इसको दूर दूर रखना है। एंड आप अभी देख सकते हो नेक्स्ट का जो हमारा लाइन होगा वो पहला लाइन से काफ़ी दूर होगा। आप देखिए दूसरा लाइन हम लोगों ने जो दिया है वो पैरा लाइन से काफ़ी दूर में रखा है, जिससे कि एग्स एक दूसरे के साथ टच ना हो एंड इजीली हैचिंग आउट हो जाए, एंड जितना भी हमारा सक्सेस होने का चांसेस रेट है वो जल्द से जल्द इंक्रीज हो जाए। दोस्तों अभी एक दिन हो चुके हैं, आप देख सकते हो जितना भी हमारा हैचलिंग है वो नेट से बाहर निकल आया है, एंड आपको हमेशा कॉर्नर पर ही दिखेगा। मैक्सिमम हैचलिंग आपको कॉर्नर पर ही दिखेगा, यहाँ पर एक कॉर्नर है
दूसरा कॉर्नर पे भी आपको दिख जाएगा जितने भी आपका आपका सक्सेसफुल हैचलिंग हो चुके हैं। दोस्तों अभी सक्सेसफुल हैचिंग आउट होने के बाद इन स्टेज पे मछलियों को 3 दिन तक कोई भी खाना नहीं देना पड़ता। अगर आप दोगे भी तब भी ये खाना नहीं खाएगा, बिकॉज 3 दिन तक इसके बॉडी के अंदर जो एग इवॉल्व है वो रह जाता है। 3 दिन तक वो वहाँ से ही खाना कंज्यूम करेगा। हैचिंग आउट के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नेट को साफ करना। आप देख सकते हो जितना भी अनफर्टिलाइज एग्स हैं और नेट पर लगा हुआ है, अगर आप इसको टाइम टू टाइम साफ नहीं करोगे तो सूखने के बाद ये नेट को बहुत डैमेज करेगा। एक वीक बाद आप देख सकते हो हमारी मछलियाँ काफ़ी बड़ा हो चुके हैं। अभी 3 दिन बाद हम लोगों ने इनको जो लाइव फीड मिलते हैं वो चाहे आरटी में हो जाए या रोटीवर्स हो जाए वो हम लोगों ने इनको दिया कंज्यूम करने के लिए। एंड अभी 10 से 15 दिन बाद आप देख सकते हो हमारा जो मछलियाँ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो इनको और 10 से 15 दिन बाद हम लोग इनको ईजिली 3 रुपीस पर पीस करके हम लोग मार्केट पर बेच सकते हैं। दोस्तों तो आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करने के लिए पूरा ट्राई करूँगा।